हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे एक ऐसी सब्जी जिसमें ना ही प्याज है ना ही लहसुन और ये बहुत ही टेस्टी होती है। और मैं बना रही हूँ दाल पकौड़े की सब्जी। मेरे पास है यहाँ पे 1.5 कप जितना चने की दाल, जिसे मैंने सुबह भिगो कर रखा था। कम से कम 3 से 4 घंटा पहले आप भिगो के रखिए इसको। और अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं इसको पूरा पेस्ट कर लूँगी। इसमें हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ऑलरेडी सोक किया हुआ है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसमें जनरली नहीं पड़ती है। अब हम कर लेंगे इसे पेस्ट। पेस्ट बिल्कुल रेडी है, एकदम सॉफ्ट पेस्ट बना के बैटर में हम डालेंगे ये हरी मिर्ची। मैंने एक हरी मिर्ची को डीसीड करके उसे कट कर लिया है। डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक। हम पूरे बैटर को बहुत अच्छे से फेंट लेंगे, बहुत ज़्यादा करके ही फेटेंगे इसको, ताकि जिसके बड़े बनेंगे वो बहुत फूले फूले और फ्लफी बनेंगे। मैंने इसे बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट तक एकदम अच्छे से फेट लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए डाल दिया है, तेल भी गरम हो गया है। अब हम अपने पकौड़ों को एक एक करके छोड़ देंगे। कुछ बड़े छोटे साइज में भी डाले हैं, एक तरफ से पक गए हैं। अब मैं इसे पलट दूंगी, दूसरी तरफ से हम भी इसको फ्राई कर लेंगे। बड़े दोनों तरफ से लाल हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ मेरे पास है कच्चा केला, मैं इसे छील लूंगी। मैं सब्जी में इसमें यूज करूंगी कच्चा केला और आलू। कच्चे केले को हम बीच में से बस स्लाइस कर लेंगे, बस इतना ही। हम इसे इस तरीके से ही यूज करेंगे। यहाँ है मेरे पास 3 बड़े आलू, उबाल के रखे थे मैंने। मैंने बस इसे इस शेप में काट लिया है। तेल गरम हो गया है, अब हम डालेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच जितना जीरा। अब हम डाल देंगे इसमें ये आलू और डाल देंगे हमारी कच्चा केला। देंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। 3 से 4 मिनट तक मैंने इन सब्जियों को पका लिया है। अब हम इसे बीच में से थोड़ा सा गैप कर लेंगे। गैप करके अब हम इसमें ये हमारी टमाटर और अदरक का जो पेस्ट है इसे डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। ये मसाले को अच्छे से मिक्स करके अब हम इसे ढक देंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। अब हम डाल देंगे इसमें गरम पानी। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए हम उतना पानी इसमें इस्तेमाल करेंगे। मैं ये बना रही हूँ 4 लोगों के लिए, मैंने उस हिसाब से इसमें पानी डाला है। इसमें एक अच्छा सा उबाल आ गया है। अब मैं इस फेज में इसमें जितने भी बड़े मैंने फ्राई किए हुए थे, अब मैं इन बड़ों को इसमें डाल दूंगी। डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा का पाउडर, डाल देंगे कुटी हुई काली मिर्ची का पाउडर। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे। हम इस ग्रेवी को तब तक पकाएंगे जब तक इसमें एक ज़्यादा सा उबाल ना आ जाए। इसमें भी हल्के हल्के उबाल आ रही है, थोड़ा ज़्यादा उबाल आएगा तब तक हम इसे पका लेंगे। और हाँ, मैं एक बात बता दूँ, पानी आप एडिक्वेट अमाउंट में ही डालिएगा, क्योंकि जो वड़े हैं ना, वो बाद में क्या होता है, जैसे हल्का हल्का ठंडी होने लग जाती है सब्जी, तो वो जो पूरी ग्रेवी का जो पानी है वो सोक कर लेता है। तो आपको लास्ट में लगेगा कि मैंने ग्रेवी तो इतनी बनाई थी, बट क्या होगा कि पूरे जो वड़े हैं पूरे पानी को सोक कर लेंगे और जो आपकी जो ग्रेवी है वो पूरी सूख जाएगी। तो इसीलिए पानी का माप उस हिसाब से कीजिएगा। रेडी है दाल पकौड़े की सब्जी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जिस दिन आप प्याज लहसुन खाने का आपका मन नहीं है, उस दिन इस सब्जी को बनाइए। इसमें दाल की पकौड़ी बहुत टेस्टी और क्रंची भी लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। तब तक के लिए ईट हेल्दी स्टे हेल्दी।